हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत वीज़ा 2022 में या 2022 के बाद इन फ्यूचर आपको कैसे मिलेगा? कुवैत का वीज़ा क्या फ्री में भी मिलता है? क्या आपको कोई भी कुवैती जब आपका वीज़ा इशू करवा करके आप तक पहुंचता है तो क्या वो फ्री ऑफ कास्ट होता है या उसका चार्ज आपको देना पड़ता है, या कैसे क्या प्रोसेस है इसका, इसको इस वीडियो में समझेंगे। और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आगे चल करके आपको बताऊँगा और उसको एक तरीके से एक्सप्लेन भी करूँगा, क्योंकि शुरुआती दौर में बता देने से पॉइंट्स तो आगे चल करके मैं खुद भूल जाता हूँ। मुझे लगता है कि मामला कंप्लीट हो गया और कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट्स छूट जाता है, तो आज मैं बगैर पॉइंट्स को बताए अपनी बातों को शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात तो जैसे कि मान लीजिए कुवैत का अगर आपको वीज़ा मिला है, तो बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि वीज़ा का क्या कुछ अमाउंट देना पड़ता है, फ्री में मिलता है, कितना पैसा इसके लिए खर्चा होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एक वीज़ा इशू होने में कितना अमाउंट कफील का खर्चा होता है, क्योंकि अभी तो आप घर बैठे हो अपने, वहाँ पर तो कोई पैसा खर्चा आपने किया नहीं ना। अब देखिए, कोई एजेंट को आप क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं, किसी के पेट पर लात नहीं मारना है। कौन एजेंट, कौन आदमी क्या करता है, किसके तहत कैसे वो कुवैत देश में आता है, इसका हमसे कोई फंडा लेना देना नहीं ना। हम एक्चुअली में क्या जो आपको रियलिटी है वो चीज़ बताने की कोशिश करेंगे और कैसे क्या मामला रहता है कुवैत देश के वीज़े से रिलेटेड। तो अगर आपको कुवैत देश का वीज़ा मिलता है तो उसका कितना कॉस्ट आता है? दरअसल 2 दिनार से 5 दिनार के मिनिमम अमाउंट ये एक कफील का खर्चा होता है एक वीज़ा निकालने में। लेकिन दोस्तों, साथ में इसको भी समझ लीजिए, अगर आप हाउस में आ रहे हैं तो एक कुवैती एक कफील को अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट के तरफ से कि वो अपने नाम पर एक ड्राइवर, एक हारिस और एक खद्दामा या दो खद्दामा भी निकाल सकता है, और तबख, ये इतने वीज़े वो निकाल सकता है। इसके अलावा वो इससे एक्स्ट्रा वीज़ा नहीं निकाल सकता। सपोज़ करिए कि एक कफील को ज़रूरत है एक ड्राइवर्स की और वो आपका वीज़ा निकालता है। अब उसने जो भी अमाउंट खर्चा किया, आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजा था, उसके आधार पर आपका वीज़ा निकल गया, आपके पास पहुंच गया। अब वीज़ा निकलने का जो चार्ज होता है वो कफील आपसे कभी नहीं लेता, कफील हमेशा आपको वीज़ा फ्री ऑफ कास्ट देता है। अब यहाँ पर दो प्रोसेस काम करते हैं कुवैत देश में। सबसे पहला, यहाँ पर जो ऑफिस है एजेंट वगैरह का, जो यहाँ पर एक ऑफिस बना करके बैठे, ऑलरेडी वो कुवैती का ही ऑफिस होता है, लेकिन उसमें बहुत से हमारे जैसे वर्कर काम करते हैं तो उनके ज़रिए से निकलता, तो उसका भी प्रोसेस मैं आपको बतलाऊँगा। इसके बाद जो है सेल्फ जो निकलता, जैसे कि बहुत से लोग कुवैत में हैं, कोई रिलेटिव है, कोई जान पहचान वाला है, तो कफील अगर उसके ज़रिए से निकालता है तो वीज़े का प्रोसेस उसके तहत पहले समझ लीजिए, बाद में हम उसके तहत आपको समझाएंगे। तो जैसे वीज़ा जो आपका निकलता है उसका कोई भी कॉस्ट आपका कफील या कुवैती जो निकाल रहा वो नहीं लेता है, आपको फ्री ऑफ कास्ट वीज़ा देता है। अब जिसके ज़रिए से कॉन्टेक्ट हुआ है उसका, उसको दे देगा, वो आपको रजिस्ट्री करेगा, आप तक पहुँच जाएगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जब आपके पास वीज़ा पहुंच जाता है तो आपके दिमाग और दिल में खलबली मच जाती है, क्योंकि आपको अपना वतन, अपना परिवार, अपना घर द्वार, दोस्त यार और बीवी बाल बच्चा सब छोड़कर के आना रहता है। ऐसी कंडीशन में दिल और दिमाग में इतनी खलबली होती है कि बहुत से लोग कैंसिल कर देते, जाते ही नहीं ना। अब आपके घर पर आपका वीज़ा मिल गया है और आप नहीं गए, नुकसान किसका है? अब देखिए, मैं एक आपको नुकसान बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा कैसे क्या ये महंगा क्यों हो जाता है, कैसे आपको पैसा देना पड़ता है, पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक वीडियो होने वाली है। तो जैसे कि मान लीजिए आप तक वीज़ा पहुँचा और आपने कैंसिल कर दिया, आप नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन में जिसने या जिस कफील ने आपको वीज़ा दिया है वो, उसको दरअसल ड्राइवर्स की ज़रूरत है या हारिस का ज़रूरत है या मान ली तब जो भी वीज़ा निकाला था आपके लिए उसकी उसको ज़रूरत है। लेकिन अब क्या है कि आप जो है ना आ नहीं रहे हो, कैंसिल कर दिया, गोली दे दिया और मामला गड़बड़ कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो वीज़ा एक्सपायर होगा जब उसकी एक्सपायरी डेट होगी, वो एक्सपायरी डेट आपके वीज़े पे ही लिखी होगी। अब वो जब वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तब कोई भी कफील जो आपका वो वीज़ा इशू किए है तब वो यहाँ पर ऑफिस में जाकर के दूसरा वीज़ा इशू कर सकता, वरना वो नहीं कर सकता है। अब उसको ड्राइवर्स की ज़रूरत थी, अब ड्राइवर का वीज़ा दूसरा वो इशू नहीं कर सकता, ना ही वो ऑफिस से जाके निकलवा सकता, तो ऐसी कंडीशन में वीज़ा को वापस करना पड़ता है, यानी कि आप बाई रजिस्ट्री कुवैत में वापस करिए। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे वो वापस मिला, मैंने उस कफील को दिया, तो वो कफील जाकर के ऑफिस में उसको कैंसिल कराएगा और फिर किसी और के नाम का वीज़ा निकलेगा, क्योंकि यहाँ कुवैत में नाम वाइज, यानी कि आपका नाम, फादर नेम
और पासपोर्ट नंबर के हिसाब से वीज़ा निकलता है, ऐसा नहीं कि वीज़ा निकला है कोई भी चला है, जिसका नाम निकला वही आएगा। तो जब आपका वो वीज़ा यहाँ पर आ जाएगा वो कैंसिल कराएगा तब इशू कराएगा दूसरा वीज़ा। तो ऐसी कंडीशन में कफ़ील का नुकसान हो जाता है, कफ़ील जिससे भी कॉन्टेक्ट करता है उसकी इमेज वहाँ पर डाउन हो जाती है। जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए कि मैंने आपका वीज़ा निकाला तो मेरी इमेज डाउन होगी, क्योंकि मैंने जो आदमी दिया था भरोसेमंद उसको, वो भरोसा तोड़ चुका है, वो आया नहीं ना, तो दोबारा वो कफ़ील हमको वो वीज़ा नहीं देगा, वो किसी और बंदे को पकड़ेगा और उसको वीज़ा देगा, उसके ज़रिए से आदमी बुलाएगा। और इन फ्यूचर जब पहली बार हम धोखा खा जाएंगे तो वो कभी भी हमको टच नहीं करेगा, यानी मेरी इमेज हमेशा के लिए उसकी नज़र में ख़राब हो गई, फिर उसके ज़रिए से कोई भी वीज़ा हमें मिलने वाला नहीं है। सिर्फ किसकी वजह से? आपकी वजह से कई लोगों का नुकसान हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत से लोग जो वीज़ा का काम करते हैं, बहुत से लोग जो एक दूसरे को बुलाते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका एक अमाउंट रख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया गया कि आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया भाई मुझे इस अकाउंट में या यहाँ पर आप डाल दीजिए, तो आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, आपका ये वीज़ा निकल आएगा। यही काम जो है इंडिया में चाहे कोई आदमी हो चाहे एजेंट हो, वो भी आपके साथ यही करता है। क्योंकि जब आपका 20,000 से 25,000 रुपया जब फंस जाएगा तब आप ये चीज़ नहीं करोगे, तो इसमें क्या, जो आपका बिचौलिया है जो एजेंट है वो भी मजबूत है, उसकी इमेज भी मजबूत है और कफील का काम भी हो रहा है, और आप जो है सोचोगे कि इतना पैसा लगा दिया है अब तो यार मुझे जाना ही जाना है, और आप श्योर है आप आओगे, तो इस कंडीशन से आपका वीज़ा महंगा हो जाता है। ये लोग आदमी बोलते हैं ना कि भाई मैं ख़रीद करके वीज़ा जा रहा हूँ, तो इस तरीके से लोग इस तरीके से ख़रीदते हैं, इस तरीके से पैसा अमाउंट इसका ले लेते हैं। हमारे हिसाब से ये शुरुआत में मैं सोचता था कि लोग गलत लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, वो इस तरीके से परेशान हो जाते हैं, उनको लेना पड़ता है, क्योंकि आप तो नहीं करोगे ना, लेकिन बहुत से लोग 10 लोगों में से 2 लोग कर देंगे, तो 2 जगह इमेज डाउन होगी। तो फिर क्योंकि कुवैत में किसी भी कफील की नज़र से बातचीत या जो भी इमेज होती है ना, बनाने में बड़ा वक्त लगता है, और उसको बिगाड़ने में आप जैसे लोग, बहुत से लोग 1-2 आ जाते तो मामला सब रहा का धरा रह जाता है। इसीलिए इंसान जो है इसका अमाउंट लेता है, ये मुझे समझने में काफ़ी वक्त लग गया। तो मैंने आज इस टॉपिक पर वीडियो आपको बना करके देना चाहा कि आप लोग भी जानो कि क्या मसला है कुवैत के वीज़े से। तो कुवैत का वीज़ा आपको मिलता है फ्री, लेकिन ऐसा नहीं ना, कुवैत में जब आप आओगे तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कि हाँ भाई मुझे वीज़ा फ्री मिला था और मैंने सारा प्रोसेस कराया और करा करके मैं कुवैत देश में अपनी जॉब पर आ गया। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे और आपको आगे चल करके मालूम हो जाएगा, अगर मैं आपको नहीं बतलाऊंगा या आपको जो बुलाने वाला वो नहीं बतलाएगा, लेकिन जब आप कुवैत में आ जाओगे तो आज नहीं कल तो सच्चाई आप जान ही जाओगे। तो बेहतर है कि आज ही पूरी बातों को समझ लो और होशियार बन जाओ और अपने हिसाब से सही तरीके से आप कुवैत देश में इन फ्यूचर आ सको, अपनी जॉब कर सको, 4 पैसा कमा सको। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि कर भला तो हो भला, और आपका भला मैं हर वक्त करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहली बात आप समझ चुके हैं, वीज़ा कितने अमाउंट का निकलता है, वीज़ा कैसे निकलता है, और वीज़ा का प्रोसेस मैंने एक नॉर्मल कैटेगरी में समझा दिया। अब हम एजेंट के बारे में समझाते हैं, जो कुवैत देश में बहुत सारे एजेंट्स हैं जिनका ऑफिस है, जो रजिस्टर्ड हैं, और वो जो हैं एक तरीके से कॉन्टैक्ट लेवल पर बुलाते हैं लोगों को, तो वहाँ से क्या प्रोसेस होता है उसको भी चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो जैसे कि नॉर्मल कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल कैटेगरी के जो मैंने वीजा इशू की प्रक्रिया बताई उस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम आप आओ। लेकिन अगर एजेंट के जरिए से आ रहे हो तो उसमें फायदा क्या है, सबसे पहले तो यह समझिए। अगर आप किसी ऑफिस के ज़रिए से वीज़ा निकलता है, आप आते हो, आपका अमाउंट जो खर्चा हो रहा है वो खर्चे पे तो हम कभी और बात करेंगे, और भी मैंने वीज़े से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो इसमें छूट जाएगी वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, वो चीज़ आपको वीडियो के चैनल पर जाएंगे तो मिल जाएगी। तो उसमें फ़ायदा क्या है एजेंट के ज़रिए से आने से? उसका फ़ायदा यह है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कफील आपके मतलब कि जो भी जॉब के पर्पस से आ रहे हो, हाउस में आ रहे हो, तो उस हाउस में अगर आप जाते हो ऑफिस के ज़रिए से, तो अगर आपको वो रूम यानी कि वो जो कफील का घर है, उसका रहन सहन है, उसका मतलब के एटीट्यूड है, उसका काम कराने का सिस्टम है, आपको पसंद नहीं आता है, तो आप जो है ऑफिस में शिकायत करोगे तो ऑफिस वाले अपना बंदा यानी आपको बुला लेंगे, फिर दूसरे घर में शिफ्ट करेंगे आपको, दूसरा घर भी पसंद नहीं आता तो तीसरे घर में शिफ्ट करेंगे, तो आपको 2-3 घर आप चेंज करने का ऑप्शन रहता है। और जो जैसे एक नॉर्मल आदमी कैटेगरी में अगर वीज़े के ज़रिए से आते हैं, तो भाई साहब जिस वीज़े में आ गए, मान
मान लीजिए उसने कहा 100 देंगे और 80 दे रहा है, तो भाई साहब आपका कुछ हो नहीं सकता, आपका कोई यहाँ पर मददगार नहीं मिलेगा, सब एजेंट और सब लोग धरे के धरे रह जाएंगे, कोई भी भैया हाथ धरने को और बात करने को राजी नहीं होगा। लेकिन ऑफिस के ज़रिए से आपको ये तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। हाँ, अब ये मैं बात करता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन ये देते हों ऑफिस वाले, बहुत सारे ना देते हों या चेंज कर दें या कुछ भी करें, वो एक अलग का प्रोसेस है। लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शन मिलता है चेंज करने के लिए। इसी तरीके से जो भी अब उस एजेंट की कफील की लेन देन का मामला होता है तो वो अपना एडजस्ट कर लेते हैं। आपको क्या है, आपको जॉब अच्छी मिलनी चाहिए और घर अच्छा मिलना चाहिए, परेशानी होना चाहिए। बहुत से लोग क्या है, अगर परेशानी आ गई तो भैया परेशानी झेलना है, उसी में एडजस्ट करना है, साल दो साल निकालना है, फिर छुट्टी जाओ, फिर बदलो, फिर उसकी एक अलग की प्रक्रिया। ऑलरेडी मैं वो सारी भी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ में मैं देता रहता हूँ और इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा अगर आप सब्सक्राइब करके चैनल को रखे रहेंगे तो। इसके अलावा ये तो हो गया दो प्रोसेस वीज़ा से रिलेटेड। तीसरा प्रोसेस ये हो गया कि आप लोग जैसे बहुत से लोग होते हैं डेढ़ डेढ़ लाख, एक एक लाख, दो दो लाख रुपया खरीद करके वीज़े को आते हैं। बहुत सारे इंडिया में बैठे हुए भाई, आपको शटडाउन वीज़ा चाहिए, 20 नंबर वीज़ा चाहिए, 18 नंबर वीज़ा चाहिए, तो भैया एक लाख रुपया लगेगा, 50,000 रुपये का वीज़ा हो गया, उसके बाद ये सब प्रोसेस वगैरह डेढ़ लाख दो लाख में। तो भाई साहब देखो, ऐसा है ना कि भाई आपके पास पैसा है तो आप इंडिया में पैसा लगा के कुछ ना कुछ चाय का स्टॉल ही खोल दो, कुछ ना कुछ करो। बहरहाल कहावत मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल शर्म नहीं करना चाहिए किसी भी बिजनेस में। तो आप कोई बिजनेस कर सकते हो, लेकिन डेढ़ से दो लाख रुपया तो मैं कहता हूँ कतई मत लगाइए। लेकिन बहुत से लोगों का ये होता है कि हाँ भाई चलो एक सिक्योर जॉब हो जाएगी, कुछ दिन कमा लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा। बहरहाल एज वी लाइक, जैसे आपकी मर्जी, आप खर्चा कर सकते हो, आपके पास पैसा और आपके पास अमाउंट है तो आप लगा सकते हो। वैसे फिलहाल मैं बता दूँ कि ज़्यादा पैसा कुवैत देश में नहीं खर्चा होता है, बस ये प्रोसेस होता है कि वीज़ा आपका एजेंट या आपका बंदा आपको 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 में आपको भेजता है कि आप कहीं भागो नहीं, और उसके उसी में आमदनी उसकी होती है। इसके अलावा अब आपका वीज़ा, ये दोनों प्रक्रिया तो हो गई, ये जो वीज़ा आप इतना अमाउंट जो देते हो 50,000, 50,000, 60,000 रुपया देते हो, तो भाई साहब ये हम तो कहते हैं कि ना ही दो तो ज़्यादा बेहतर है, कहीं और ट्राई करो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पैसा आज की डेट में ना थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा लोगों के पास दिक्कतें होती हैं, इंडिया में भी लोगों के पास दिक्कतें हैं, और बगैर दिक्कत का कोई कुवैत या किसी गल्फ कंट्रीज़ में कमाने नहीं जाएगा। अगर किसी के पास है तो क्यों जाएगा भाई। तो आप बेहतर है कि इतना अमाउंट ना खर्चा करो, और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपको वीज़ा मिलने के। अब चलिए हम आपको एक तरीके से समझाई देते हैं कि आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। देखिए बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन जॉब्स होते हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा तो वहाँ पर आपको कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जॉब्स होगी, ऑयल एंड रिग में होगी, रिग प्लेटफॉर्म पर होगी, कंपनीज़ में होगी, बहुत सारे पैकिंग प्रोडक्ट्स में होगी। तो इस तरीके से जॉब होती है जो आप जो है ऑनलाइन जो है अपना सीवी वगैरह उस ईमेल पे सबमिट करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपकी सीवी इससे उनके काम के हिसाब से मैच करती है तो वो आपको वीडियो कॉलिंग पे या वैसे भी आपको क्या कहते हैं इंटरव्यू ले लेते हैं, या उनका इंटरव्यू कहीं इंडिया में चल रहा है या चलने वाला है तो आपको वो रिपोर्ट कर देंगे कि हाँ भाई वहाँ पे चल रहा है, आप वहाँ पे पहुँच जाइए। तो वहाँ पर सिलेक्शन होता है तो कंपनी वगैरह आपको पूरा सपोर्ट करती है और आपका वीज़ा मिल जाता है। तो वीज़ा मिलने का ये प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन सर्च करिए। दूसरी बात है कि वीज़ा मिलने का प्रोसेस यहाँ पर जो एजेंट है, एक तरीके से ठेकेदार हैं, जो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ऑयल एंड रिग में अगर आप जाएंगे जॉब करने तो ऐसा नहीं ना, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेबर का अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके इंजीनियर्स का अलग सिस्टम होता है, पूरा एक सर्किल है, एक उसका सिस्टम है कि उसी हिसाब से आपको काम दिया जाता है, उसी हिसाब से आपको वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है, उसी हिसाब से आपको अप्लाई भी करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन सर्च करिए जॉब्स, और बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जो कुवैत में रहने वालों लोगों के लिए अवेलेबल होती है, तो वहाँ पर वो लिख देते हैं इंग्लिश में। और अगर नहीं अवेलेबल है तो अगर आप बाहर से, इंडिया के बाहर से और ये कुवैत के बाहर से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी ऑप्शन वहाँ पर होता है, आप अप्लाई करिए और आपको जो है ना वहाँ पर ईमेल के ज़रिए से अपडेट मिलती रहेगी। और कहीं कहीं ऑप्शन अगर होगा इस तरीके से इंटरव्यू वगैरह से, या ऑनलाइन इंटरव्यू होता है या वीडियो कॉलिंग पे इंटरव्यू होता है, तो आपका मामला ओके हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी भी बंदे को ऐसे पकड़िए जो कुवैत में रहता है, जो आपकी हेल्प करा सके, जो आपके यहाँ ऑफिस वगैरह जो होते हैं वहाँ से भी वीज़ा निकलता है। लेकिन ऑफिस वाले करते क्या है ना, जैसे मान लीजिए आपका मैंने वो पासपोर्ट और क्या कहते हैं कोरोना का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड वगैरह दिया है कोई वीज़े के लिए, तो ऑफिस वाले क्या कहते हैं कि ऑलरेडी वो बोलते हैं कि फलानी जगह पे ये काम है और फलानी जगह पे क्या कहते हैं ये वर्क है, इतनी सैलरी है, भाई साहब आप ही लाओ कुछ पैसा,
अब वो उल्टा हबी से मांग लेंगे कि आप लाओ लाओ 25 दिनार 50 दिनार लाओ 100 दिनार लाओ, तो वो हमसे ही मांग लेंगे। तो अगर हम उनको दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनको दे रहे हैं तो हम ये जान रहे हैं कि ये वीज़ा ये आदमी बेहतरीन तरीके से अच्छी जगह लगा सकता है और सैलरी मेरी अच्छी होगी। क्योंकि सैलरी से लेकर के अगर आप सैलरीज की कैटेगरी में बात करेंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ की अपडेट मैं दे चुका हूँ, कुवैत में किस जॉब के पर्पज़ से क्या क्या सैलरी होती है लोगों की, मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट समय बता चुका हूँ, हाईएस्ट सैलरी भी मैं बता चुका हूँ, उसकी वीडियोस अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो कुवैत में इस तरीके से भी काम हो जाता है। कभी कभी होता है कि नॉर्मल कैटेगरी का वीज़ा है, कम सैलरी है, अच्छा मामला नहीं, बकरी चराने में है, ऊँट चराने में है, वफरा में काम है, सिंचाई में काम है, खेती बाड़ी में काम है, तो ऐसी कंडीशन में वो वीज़ा फ्री में दे देते हैं कि ले जाओ भैया, हमको भी पैसा देना नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे सॉरी मैं वैसे फ़िलहाल वीज़े का काम नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि वीज़े के काम में बहुत झमेला है भाई साहब। आपका वीज़ा दो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप फिर बाद में उल्टा फिर गाली दोगे। क्योंकि यहाँ पर कुवैत में क्या है ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स किसी के साथ होती है। जैसे सपोज़ करिए कोई आदमी या मैं किसी का वीज़ा दे रहा हूँ किसी के घर का, अब उसके घर का हाल चाल मैं खुद नहीं जानता। अब जब आप आओगे किसी तरह की परेशानी होगी तो बोलोगे फलाने ने फंसा दिया, फलाने ने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो चार बात चार गाली सुनने से बेहतर है कि भाई साहब हाथ ही मत डालो। और वैसे फिलहाल ये भी सही नहीं ना, क्योंकि लोगों की मदद करनी चाहिए। वैसे फिलहाल मैं कोई इस तरीके से ऑप्शन लेकर के आऊँगा कि जो भी मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं न्यू विजिटर और उनको वीज़े या जॉब की कैटेगरी के आधार पर उनको नौकरी चाहिए कुवैत देश में और उनको वीज़ा चाहिए और वो आना चाहते हैं, तो मैं दो चार बातें अपने तरफ से नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर करूँगा। और फिलहाल अभी 16 मिनट हो गया है, 17 मिनट हो गया, फिलहाल वीडियो बड़ी बन गई, लेकिन मैं अपनी पूरी बात को, अपने दिल की बात को पूरा बता करके सही तरीके से समझा दे रहा हूँ, जिसमें इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो कुवैत देश का ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो बना करके दूंगा और उस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको वीज़ा मिलेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो बेरोज़गार ना रहें भाई, चार पैसा कमाएं। तो मैं इंशाल्लाह यहां पर बहुत सारे ऑफिसेस हैं, मैं टाई अप करूंगा, उनसे बात करूंगा और उनसे बात करने कोई ना कोई ऐसा मामला आप लोगों के लिए मतलब कि ढूंढूंगा। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूं कि इस तरह का टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाऊं और आप लोगों की हेल्प हो, तो उसके लिए मैंने एक वीडियोस बनाई थी, उसमें लोगों का आज भी कमेंट्स आता है, मैं उन कमेंट्स को रीड करता हूं और उन कमेंट्स को बचा के भी रखा हूं और इन फ्यूचर मैं उन कमेंट्स का जवाब दूंगा। लेकिन बस थोड़ा वक्त लग रहा है और इस वक्त मैं भी थोड़ा सा परेशान चल रहा हूं क्योंकि मुझे भी काम अपना चेंज करना है, मुझे भी इस काम से ट्रांसफ़र लेना है। तो ऐसी कंडीशन में मैं भी थोड़ा सर्च कर रहा हूं और जैसे ही मैं ट्रांसफ़र ले लेता हूं, रिलैक्स हो जाता हूं, तो आप लोगों के लिए ज़रूर ऑप्शन रखूंगा। बस आप अपडेट रहो, हर एक वीडियो देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और यहां तक वीडियो अगर आपने देख ली, मेरी बातों को समझ लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पे अरबी में बोलते हैं अल्फैन शुक्रिया, यानी कि 1000 2000 अल्फ बोलते हैं 1000 को, अल्फैन शुक्रिया यानी कि 2000 शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां तक वीडियो देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अपडेट है, देखो चैनल पर विजिट करो और पूरा एक तरीके से मजबूत बनो और होशियार बनो, चालाक बनो, कहीं भी कोई भी परेशानी मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स को कुवैत से रिलेटेड ना होने पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।